हेलो हेलो आशवी, हेलो आशवी। हेलो मैम। इट्स टू लेट, 7:15 नाउ। मैम मैं तो ये हमेशा लिंक चेंज हो जाता है, आप कोई और लिंक पे ही मिल सकते हो। मैं नहीं तो नहीं लिंक पे ट्राई एक्चुअली एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट ने आपको शायद मैसेज भी किया था कि यही ही लिंक ज्वाइन करना है अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है ना आशवी। मेरे को उसमें। हेलो आशवी, आपकी आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही। मैम आप ठीक यस ओके आशवी, आपके यहाँ चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया भी है ना? मैम? ओके तो फर्स्टली वी हैव स्टार्टेड विद पेरीमीटर एंड एरिया। ओके ओके आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है एंड एरिया? यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट? पेरीमीटर एंड एरिया मैम यस थोड़ा बहुत पता ओके बताओ। है। पेरीमीटर मतलब कितना टाइप ऑफ डिस्टेंस या कितना सेंटीमीटर। फॉर ओके एग्जांपल ओके पेरीमीटर फर्स्टली हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं आशवी। पेरीमीटर क्या होता है और एरिया। ओके फर्स्टली पेरीमीटर, जस्ट लाइक पहले हम इनमें डिफरेंस समझेंगे तब आगे हम कंप्लीट करेंगे। पेरीमीटर होता है आशवी जैसे एक स्क्वायर है, या कोई भी आपका कोई भी एक स्क्वायर है। दैट मींस ऑल साइडेड आर 4, 4, 4 एंड 4। ओके ऑल साइड्स आर इक्वल, क्लियर? दैट मीन्स 4 + 4 + 4 + 4 + 4, हाउ मेनी साइड्स? 1, 2, 3 एंड 4। दैट इज वाई 4 + 4 + 4 + 4। ओके एंड एरिया इज, तो मैम यस आशवी, 1 मिनट आप रुकोगे? यस यस मैं 2 मिनट्स में आती हूँ। ओके ओके
Yes, ma'am. Yes, Ashvi. Firstly, perimeter kya hota hai, Ashvi? Perimeter means all sided are same. Just like 4, 4, 4. Okay? All sided are same. Or you can say surrounded area is called perimeter. जो आपका ये बाहर का एरिया होगा आउटसाइड एरिया इज कॉल्ड पेरीमीटर एंड एरिया इज कॉल्ड एरिया क्या होता है इट इज द इनसाइड एरिया जो आपके अंदर का अंदर के पोर्शन होगा उसको आप एरिया कहोगे क्लियर और एरिया का एक रूल होता है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 16 है और Just like 28, that means ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है तो फर्स्टली पेरीमीटर क्या है पेरीमीटर आर पेरीमीटर इज साइड्स ऑल द साइड्स ओके एंड क्लास चल रहा है मेरा यस पेरीमीटर क्या होता है सारी साइड्स कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपका रूम है आपके रूम का जितना भी जितने भी साइड्स होंगी जितनी भी वॉल्स हैं फोर वॉल्स होती हैं दैट इज द पेरीमीटर क्योंकि वो आपकी इक्वल होंगी एंड एरिया इज इनसाइड एरिया जो उसके बीच में एरिया होगा उसको हम इनसाइड एरिया ओके जो अंदर का पोर्शन होगा उसको यस यस आशवी अब क्लियर है वॉइस बहुत कम आ रही है मैम नाउ इट इज क्लियर नो मैम आशी एक्चुअली इसमें तो कोई प्रॉब्लम यस मैम अब क्लियर ओके तो फर्स्टली पेरीमीटर क्या होता है ऑल साइड्स जस्ट लाइक योर रूम आपके रूम में फोर साइड्स है तो वो आपकी साइड्स जो है वो आपके पेरीमीटर है और यहाँ अंदर का जितना भी इनसाइड पोर्शन इज कॉल्ड एरिया क्लियर और आप हमेशा एरिया को स्क्वायर्स में लिखेंगे जस्ट लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्लियर ओके फर्स्ट वी टेक स्क्वायर फर्स्टली आशवी आप इन दोनों में डिफरेंस लिखो अदरवाइज आप फिर भूल जाओगे तो शॉर्ट नोट है और पेरीमीटर हमारा हमेशा मीटर या सेंटीमीटर किसी में भी लिखा जाएगा बट एरिया में हम स्क्वायर्स में डिफाइन करते हैं ओके ओके मैम ओके फर्स्ट वी टेक स्क्वायर ओके स्क्वायर तो पता है आपको क्या होता है स्क्वायर Yes, ma'am. All sided are same. Same. Yes. Then? Yes. That is the square. और perimeter के लिए हम क्या लिखते हैं square में perimeter. आज भी आप इनके rules जरूर लिखें. Equal to 4 multiply sides. 4 multiply sides क्यों लिखा हमने आज भी? In the square, how many sides? 1, 2, 3, 4. Yes, ma'am. Yes. और आपको भी पता है square में all sided are same. That means 4, 1, 2, 3, 4. 4 multiply side. जितनी भी उसकी साइड है हाउ मेनी साइड 4 साइड स्क्वायर की आपकी 4 साइड्स होती है ओके तो इसके लिए रूल लगता है पेरीमीटर के लिए इन द स्क्वायर पेरीमीटर के लिए 4 मल्टीप्लाई साइड एक फॉर्मूला होता है जो आपके बहुत हेल्पफुल होगा अभी आपके सम्स करने के लिए जैसे अगर आपका ये जस्ट लाइक 2, 2, 2 दैट मींस 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई टू आप ऐसे भी कर सकते हो एंड प्लस प्लस करोगे सेम आंसर आएगा. दैट इज 8. ओ सॉरी, ये इसमें 16 हो जाएगा तो प्लस ही करते हैं. तो मैम प्लस करना है कि वो मल्टीप्लाई. देखो फोर साइड्स हैं, फोर अगर आप फोर साइड्स हैं, वन साइड कितने की आपकी? वन साइड टू. तो आपको क्या करना है आशवी, अगर आप इसको करोगे 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8, और अगर आप इसको फोर साइडेड आर, आपकी वन साइड कितने की है? फोर साइड्स हैं, 1 2 3 4. ओके, वन साइड आपकी कितने की है? 2. दैट इज 4 × 2, दैट आंसर इज 8 cm और मीटर. क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन अगर है तो अभी क्लियर कर देते हैं. फर्स्टली देखो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को आपको भी पता है सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, ठीक है? तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला लगता है 4 × साइड. 4 मींस 1 2 3 4, फोर साइड्स. दैट इज अगर वन साइड आपकी 2 है तो फोर साइड्स है, तो 4 × 2 दैट इज 8 cm. और अगर आप इसको ऐड करोगे, 4 times ऐड करोगे, देन आंसर इज ऑल्सो सेम 8 cm. मैम यस, उसकी सेंटीमीटर 2 रहना जरूरी है, मतलब एग्जाम में जब आएगा? नहीं 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 नहीं, वो तो आपको ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया है. अभी तो मैं इसके सम्स बाद में करवाऊंगी आशवी, अभी तो फर्स्टली मैं आपको ये डिफाइन कर रही हूँ चीजें कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो. और मैम यस, अगर कोई और नंबर भी आएगा तो अलग अलग सब में डिजिट होगा कि मतलब एक साइड में 4 तो एक साइड में 3 एक साइड में 2? अच्छा फर्स्टली बताओ, स्क्वायर तो स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है ना आशवी? हाँ मैम. अगर आप यहाँ पर 8 भी ले सकते हो तो आप कैसे करोगे? यहाँ अगर आपने 8 लिया, दैट मीन्स 8 × 4 देन 32. अब अगर आप इसको 4 times ऐड भी करोगे, 8 + 8 + 8 + 8 + 8, कितने टाइम्स किया? 4 times. तो 8 8 16 16 16 32, दैट मीन्स सेम आंसर. आज भी देखो स्क्वायर का ये आपको ये भी पता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर? तो स्क्वायर में तो आपकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो आपको कभी भी इसके ऐसे इस तरीके से नहीं दिया जाएगा कि यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, 4 या 5, ऐसे नहीं दिया जाएगा. आपको कोई भी दिया जाएगा, अगर यहाँ पर अगर आपको 8 भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं. मैं तो आपको एग्जाम्पल में बताया कि 2 cm है, अगर वन साइड 2 cm है, दैट मीन्स 4 × 2, 4 × 2 इज 8. अगर आप 8 लोगे, अगर आपकी वन साइड 8 cm है, दैट मीन्स 4 × 8 दैट इज 32. क्लियर आशवी? यस मैम. ओके ओके, फॉर ए एरिया एग्जाम, एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड. ये आपका स्क्वायर के लिए, ओनली स्क्वायर, साइड इंटू साइड. ओके, अगर यस मैं ये पूछ रही थी कि बोलो आशवी. हाँ मैम, वो नंबर्स दिए रहेंगे क्या? हाँ वो नंबर्स आपको मिलेंगे. अभी अभी मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, अभी तो ये आपको बस मैं फॉर्मूला समझा रही हूँ, जिससे जब हम सम्स करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, क्योंकि आपके जितने भी सम्स आएंगे वो आपके स्क्वायर बेस्ड, रेक्टेंगल बेस्ड और सर्कल बेस्ड होंगे. मैम बस यही थी. हाँ और भी होंगे, अभी तो आप फिलहाल इन पे कॉन्सेंट्रेट करो. नहीं, आपके 6th standard में तो अभी फिलहाल 3 ही हैं जो अभी आपको देंगी मैम. क्लियर? तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया इक्वल टू साइड इनटू साइड, दैट मींस साइड स्क्वायर भी कह सकती हो आप.
अब वन साइड आपकी कितनी है यहाँ पर स्क्वायर के लिए मैंने कितनी साइड रखी है मैम? टू. टू. दैट मीन्स टू मल्टीप्लाई टू और क्या कह सकते हो आप, टू का स्क्वायर दैट इज 4 सेंटीमीटर. और क्या बताया मैंने एरिया में क्या लिखते हैं हम? यस, मैंने अभी आपको बताया आशवी, पेरीमीटर में हम मीटर सेंटीमीटर ऐसे ही लिखेंगे, बट इन द एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर. यस आशवी. यस मैम. कोई कंफ्यूजन हो रहा है बोलो आप. मैम वो लिखने में कंफ्यूजन हो रहा था. क्या चीज लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है? आपने तभी जो बोला आपने. देखो आशवी, फर्स्टली इतना याद रखो सबके लिए फॉर्मूला अलग अलग है. पेरीमीटर के लिए स्क्वायर में पेरीमीटर का फॉर्मूला लगता है 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइडेड आर सेम. एरिया के लिए आपका फॉर्मूला लगेगा साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर मीन्स अगर वन साइड आपकी टू है तो उसका आप स्क्वायर कर दोगे, और इसको आप लिखोगे जस्ट लाइक टू मल्टीप्लाई टू एंड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके ओके मैम. ओके नाउ आज ही हम इनकी सम्स भी करेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि अभी आपको ये फॉर्मूलास आने बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल कैसा होता है आशवी? रेक्टेंगल मैम एक बड़ा सा लाइन, टू साइड्स आर सेम एंड अनदर टू साइड्स आर सो आर सेम, जस्ट योर ज्योमेट्री बॉक्स और स्कूल में डस्टर देखा है? डस्टर, डस्टर में क्या होता है उसकी टू साइड्स आर सेम एंड इन अनदर टू साइड्स आर सेम. ओके ओके, देन दैट इज द लेंथ, इट इज कॉल्ड लेंथ एंड इट इज कॉल्ड ब्रेथ. क्या हुआ आशवी, आज आपकी आवाज थोड़ी चुप हो रही है. जब तक मुझे आप कहोगे कि नहीं, मुझे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है आप बताओगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा. आशवी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलो. देखो आपको मैं बड़ा बना देती हूँ, आपकी टू साइड्स, अगर ये हमारी टू सेंटीमीटर है ये टू सेंटीमीटर होगी क्योंकि उसकी अपोजिट साइड टू सेंटीमीटर मीन्स बराबर होंगी, टू साइड्स आर सेम. और अगर ये आपकी टू सेंटीमीटर है, अगर यहां पर ये 4 सेंटीमीटर है, 4, ओके, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, यहाँ 3 भी हो सकता है. ये तो मैंने एक एग्जांपल में बताया आपको. ये आपकी लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड लेंथ एंड इट इज कॉल्ड ब्रेथ. एल इज कॉल्ड लेंथ एंड बी इज कॉल्ड ब्रेथ. अब क्लियर है कुछ? यस मैम. ओके, रेक्टेंगल में आपकी टू साइड सेम होंगी, वन साइड एंड टू साइड, ये अपोजिट साइड सेम होंगी एंड इन अनदर लेंथ दोनों की सेम होगी. रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इन टू ब्रेथ है. लेंथ पेरीमीटर, ये बताओ पहले पेरीमीटर के लिए और एरिया के लिए. अभी तो आप चैप्टर पढ़ो पेरीमीटर, तभी मैं आपसे कह रही हूँ आशवी हैंड टू हैंड लिखो आप, जिससे आपको अब सम सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. फॉर्मूला इज पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि इसकी लेंथ दोनों की सेम है एंड ब्रेथ आल्सो आर सेम, दैट इज व्हाई लेंथ कितनी हुई आपकी 1 एंड 2, क्लियर, और ब्रेथ भी आपकी 2 हुई, तो अलग अलग आपकी सेम है. जैसे मैंने आपको क्या बताया, लेंथ अगर आपकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सेम हो, और ब्रेथ आपकी 2 है 1 है कुछ भी है, लेकिन अपोजिट साइड दोनों सेम होंगी. देन फॉर्मूला इज पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ.
and in area. Formula is length into breadth. Just like अगर हमने क्या लिया था टू और हमने वो लिया हमने फोर, हमने लेंथ ली फोर प्लस टू, द आंसर इज फोर प्लस टू सिक्स, द आंसर इज ट्वेल्व. ऐसे हमने लेंथ के लिए लिया, लेंथ इज फोर एंड ब्रेथ इज टू, द आंसर इज एट. क्लियर आश्वी? यस आश्वी. हेलो आश्वी. आश्वी आपके नेटवर्क इशू हो रहा है या क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू हो रहा है. ओके देन रेक्टेंगल अगर आपकी वन साइड फोर सेंटीमीटर है मींस लेंथ अगर फोर सेंटीमीटर है तो उसकी अपोजिट साइड आल्सो आर फोर सेंटीमीटर, और ब्रेथ अगर आपकी टू सेंटीमीटर है देन अनदर अपोजिट साइड इज ऑल्सो टू सेंटीमीटर. तो आप रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर इक्वल टू टू लेंथ प्लस ब्रेथ. जस्ट लाइक टू अगर हमने लेंथ ली फोर एंड ब्रेथ ली हमने टू, तो फोर प्लस टू इज सिक्स, नाउ आंसर इज ट्वेल्व. एरिया इन द एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो या कह सकते हो कि लेंथ या आपकी ब्रेथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज फोर, लेंथ इज फोर एंड ब्रेथ इज टू, द आंसर इज एट. तो एरिया क्या है आपका? एरिया उसका एट सेंटीमीटर होगा. ठीक है, क्योंकि आपका पेरीमीटर के लिए क्या है? All sides, one, two, three and four. Perimeter में हमेशा हम sides देखते हैं. How many sides? Four sides. Okay, that is why हमने length plus breadth में हमने two क्यों किया? क्योंकि two length है और two ही breadth है हमारी. Area हमारे अंदर का area होता है. अब जितना हमने मैंने क्या कहा? अंदर का inside portion. That is the area. That is length into breadth. अब आप दोनों बार थोड़ी करोगे, एक जितनी लेंथ एक साइड की उतनी ही लेंथ अनदर साइड होगी. बट पेरीमीटर में हम सबको इक्वली बताते हैं. ओके आश्वी चेंज करो पेज. नहीं मैम मैं लिख रही हूँ. ओके
मैम यस आशी, आप रेक्टेंगल का और एग्जांपल्स दे सकते हैं? रेक्टेंगल का जस्ट लाइक नहीं मैम, मैं बोल रही थी एग्जांपल और आप कर सकते हैं क्या फिर मेरे को क्लियर हो जाएगा? अच्छा रेक्ट, देखो आशवी ये तो सिर्फ आपके लिए एक सिर्फ स्टार्टिंग है, ये इंट्रोडक्शन है पेरिमीटर एंड एरिया के लिए। आपको क्वेश्चंस होंगे, अभी मैंने अभी आपको कहा आशवी फर्स्टली आप इसके फॉर्मूला लिखो फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है, मुझे रेक्टेंगल का कोई एग्जाम्पल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहती हूँ आप पहले इसकी फॉर्मूला लिख लें, क्योंकि मैं आपसे ये रेक्टेंगल बेस्ड या पैलोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जब मैं आपसे कहूंगी तो आपको फॉर्मूला खुद बताना है। मैम यस, जो आपने पेरिमीटर और एरिया का अलग अलग फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, तो एरिया का एल इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है, और पेरीमीटर का फिर टू लिखना होगा पहले। पेरीमीटर के लिए आशवी मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे अभी आपने स्क्वायर में पढ़ा था कि कितनी साइड्स पढ़ी थी आपने? फोर साइड्स। यस, तो आपने स्क्वायर में कितनी पढ़ी? फोर साइड्स। हमारा फॉर्मूला क्या था, फर्स्टली हमने स्टार्ट किया कि पेरीमीटर और एरिया मैंने आपको डिफाइन करा। पेरीमीटर में हमारी फोर साइड्स को हम काउंट करते हैं, ऑल साइड्स काउंट करेंगे। एरिया क्या होता है? इनसाइड पोर्शन, उसके अंदर का पोर्शन कितना है। तो अब आप ये थोड़ी होगा कि इस एरिया को अलग काउंट करोगे, इस एरिया को अलग काउंट करोगे, इसको अलग काउंट करोगे। ये तो आपने साइड्स बता दी कि कितनी साइड्स हैं, फोर साइड्स हैं। फोर साइड्स कितने हैं, जैसे आपने स्क्वायर के लिए बताया कि आपकी फोर साइड सब इक्वल होती है, ये हमें पता है स्क्वायर्स की ऑल साइडेड आर सेम, दैट मींस फोर मल्टीप्लाई साइड। तो फोर मल्टीप्लाई साइड हमने इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइडेड आर सेम, दैट इज वाई हमने कहा फोर मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि हमारे एक स्क्वायर की चार साइड्स हैं, दैट इज 1, 2, 3 and 4, ओके दैट इज 4। और साइड का हम कितना, हमें कितना भी दे रखा है, जैसे 2 centimeter, 4 centimeter, 3 कुछ भी दे रखा है, अगर हमें कितनी भी सेंटीमीटर दे रखा है तो हम 4 मल्टीप्लाई जो भी नंबर हमें दे रखा है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन द स्क्वायर। एंड एरिया के लिए साइड इंटू साइड, यही सेम चीज, साइड इंटू साइड मीन्स उसकी एजेस, 1 age and 2 ages, तो आपकी कितनी एजेस हो गई, 2 ages, ठीक है, तो हम उसकी एजेस को देखेंगे। सेम हमारा रेक्टेंगल में चलेगा, पेरीमीटर में हमारी कितनी है, 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी 2 लेंथ है, 1 and 2, एंड 2 ही ब्रेथ है, दैट इसलिए हमने क्या लिखा, 2 एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ है एंड 2 ब्रेथ है, दैट इज वाई पेरीमीटर फॉर्मूला इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया के लिए क्या करा, लेंथ तो सेम ही रहेगी, अगर लेंथ इधर की हमारी 2 centimeter है या 4 centimeter है तो अनदर साइड इज ऑल्सो सेम, क्योंकि हम एरिया को बता रहे हैं, एरिया क्या है हमारा, इनसाइड पोर्शन, तो हम ये थोड़ी बता रहे हैं कि कितनी साइड है क्या है, ये नहीं बताना हमें, हमें सिर्फ इतना बताना है उसका एरिया क्या, कितना एरिया वो घेर रहा है। एक एरिया का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि आप कोई भी अपनी कोई भी चीज रखने के लिए कितना एरिया कवर कर रहे हो, अगर आपका लैपटॉप रखा है, आप लैपटॉप को कहीं रख रहे हो तो वो कितना एरिया ले रहा है, टेबल पे रखे कितना एरिया ले रहा है, कितनी जगह ले रहा है वो, क्लियर। तो पेरीमीटर के लिए बताओगे कि आपकी टेबल है, टेबल पे आपकी चार साइड्स हैं, तो चार साइड्स में से 2 sides इक्वल होंगी, एंड 2 sided मीन्स लेंथ और ब्रेथ, लेंथ सेम होगी 2 sides की एंड ब्रेथ सेम होगी, ओके okay? ये क्या हो गया, आपने अपना लैपटॉप रख रखा है, आपने अपना कोई सामान रख रखा है, आपके रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, वो आपका क्या है, आप एक रूम में बैठे हो, दैट इज द स्क्वायर, ओके।
आपके पास ज्योमेट्री है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में आप देखो उसकी बॉक्स की टू साइड्स यानी लेंथ सेम होगी और ब्रेथ सेम होगी. इसलिए हमने क्या कहा, लेंथ एंड ब्रेथ. तो आपके ब्रेथ क्या है, उसका एरिया कितना घेर रहा है वो, उसके लिए उस लेंथ के और उस ब्रेथ के साथ वो कितना एरिया ले रहा है उस सामान को रखने के लिए. क्लियर? यस मैम. ओके, नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम. देखो इसके नेम से पता चल रहा है पैरेलल. आपको मैंने क्वाड्रिलेटरल वाला एक चैप्टर भी कराया था, उसमें मैंने आपको पैरेलल के भी मीन बताया था. पैरेलल मींस क्या होता है? यस, पैरेलल मींस क्या होता है आशवी? मैम यानी और अभी तुम्हारे यहाँ ये चैप्टर आने भी वाला है ना, चैप्टर आई थिंक क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा ना? नहीं मैम वो है. हाँ, इसलिए आश्विन ने सोचा अरे मैम इसको तो छोड़ ही देते हैं, अब याद रख के करना गया इसका. वेरी गुड आश्विन, इतना अच्छे से वो डिस्क्राइब किया था उन्होंने चैप्टर. चलो, पैरेलल मींस जो टू साइड्स होंगी वो आपकी पैरेलल होंगी. That is the parallel. इसका एक और आप कह सकते हो, जब आप ट्राइंगल को शेप में काटोगे तो आपका क्या होगा, ये पैरेलल साइड है. पैरेलल ऐसे नहीं निकलती है, पैरेलल जब ही हो पाता है जब उसमें से आप एक साइड एक ए, कहोगे कि एक हाइट को निकालोगे उसकी. इसके लिए फॉर्मूला होता है आशवी, एरिया इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट. हाइट कैसे लिखी हमने, ये तो आपका पेस है. चलो इसको दोबारा बना देती हूँ. सेकेंड, जो हमारी हाइट होती है यानी ये हमारी ब्रेथ है एंड दैट इज द हाइट. हाइट हमेशा हमारी 90 डिग्री होगी. ओके आज ये चैप्टर आपको थोड़ा मुझे लग रहा है बोरिंग लग रहा है, नहीं तो आप बहुत इंटरेस्टेड से पढ़ लेती हो कभी कभी, तो आज तो बिल्कुल आवाज में आपके वही नहीं है. लेकिन आशवी इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी भी आएंगे बाद में भी आएंगे. इससे अच्छा तो पहले बार था तो इस पे चलता नहीं. चलो दैट इज द हाइट. ओके, ये आपकी हाइट होगी, इसको कहते हैं हम हाइट और ये इसका बेस है. एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट. देन फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम इज एरिया ब्रेथ इंटू हाइट. ओके आशवी, क्लियर? यस मैम. ओके, नाउ आपको मैंने सर्कल पढ़ाया है ना आशवी? मैम क्वाड्रिलेटरल मैम सर्कल. क्वाड्रिलेटरल में सर्कल आई थिंक आपको आपको नहीं कराया. चलो आप इसका ट्राइंगल लिखो. पैरेललोग्राम के लिए एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट. हाइट आपकी हमेशा स्ट्रेट होगी लाइक दिस. ओके, द ट्राइंगल. मैम एक और डायग्राम आप बना सकते हो उसके लिए, पैरेललोग्राम के लिए.
पैरेललोग्राम के लिए तो आज भी यही डायग्राम बन सकता है, आप ये ले सकते हो, ठीक है, आपने कोई भी एक, आप इसको थोड़ा मैम वो तो पर थोड़ा टेढ़ा होता है ना। हाँ हाँ तभी तो मैं टेढ़ा बना रही इसलिए मैं टेढ़ा बनाऊंगी इसे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो बनेगी वो आपकी हाइट बिल्कुल, ये हाइट आपकी 90 पे जाएगी, इसलिए मैंने ये पैरेलल के लिए आपको ये वाला ज्यादा बेटर बनना था। चलो ये आपका 90 आएगा, देखो आज भी बोर्ड पे जितना चल सकता है मैंने पूरी कोशिश की है, आई विल माई बेस्ट। ओके नाउ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है आपका, ये भी एरिया बेस्ड होता है, तो फर्स्टली हम ट्राइंगल कैसा होता है बनाओ आश्री, एक डायग्राम आप बना दो मेरे लिए। हाँ मेरा तो बहुत बड़ा बनता है बिकॉज मेरे पास पेन। चलो देन आश्वी इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ सेम निकलेगा बेस इनटू हाइट, तो आप इसके लिए भी कह सकते हो ये पैरेललोग्राम का हाफ होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो ये पैरेललोग्राम का आपका जस्ट हाफ होता है। आप ट्राइंगल को आप इससे पैरेललोग्राम से आप टू ट्राइंगल्स बना सकते हो, ठीक है ना, तो आपका ट्राइंगल के लिए चलो आप बनाओ। मैम एक मिनट, मैम आप ही बना दो मेरा भी ऐसे ही बनेगा, तुम्हारा भी ऐसे ही बनेगा, कोई बात नहीं है। चलो आज भी क्लियर हुआ एरिया के लिए क्या होता है, हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। आपका पैरेललोग्राम के लिए क्या था, बेस की जगह एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके पैरेललोग्राम जो होता है वो आप एक तरीके से भी कह सकते हो, जब आप ट्राइंगल को करोगे तो टू ट्राइंगल्स हमारे कट होते हैं, अगर आप इसको पैरेललोग्राम को कट करोगे तो आपके आप इसमें क्या करोगे, अगर आपने इसको डिवाइड किया देन इक्वली डिवाइडेड देन वन ट्राइंगल सेकेंड दैट इज वन ट्राइंगल एंड दैट इज सेकेंड वन। ओके तो हमारे टू ट्राइंगल्स आर देयर, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हाफ इंटू ब्रेथ बेस इंटू हाइट। ओके आप कह रहे थे ना बस मैम इसी के इतने ही है, स्क्वायर का हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया एंड ट्राइंगल। नाउ सर्कल चेंज करूं आश्वी? हाँ मैम। ओके नाउ सर्कल तो बनाओ आप, ट्राई सर्कल। चलो पेन इतना बड़ा कैसे हो जाता है। चलो अच्छा ये बताओ ये क्या है आश्वी? दैट इज द सेंटर एंड इट इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर जिस पॉइंट से आप कहीं पे भी बना सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप यही बनाओ, सॉरी इसको कहते हैं हम रेडियस, ठीक है रेडियस, ये क्या है पॉइंट है, ये हमारा सर्कल में ये क्या कहलाता है हमारा रेडियस एंड इट इज कॉल्ड मैम वो पॉइंट को रेडियस बोलते हैं। यस एंड इट इज कॉल्ड डायमीटर, इसको कहते हैं डायमीटर, इसको कहते हैं हम रेडियस, इट इज कॉल्ड डायमीटर। मैं मतलब स्ट्रेट लाइन डायमीटर एंड यस यस हाफ ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ओके रेडियस इज विच पॉइंट इज, अगर आपने सर्कल बनाना शुरू किया
विद योर कंपास, तो आप एक कंपास को इस तरीके से रखोगे, देन यू सर्कल इट, दैट इज कॉल्ड रेडियस. जहां तक का वो बन रहा है दैट इज कॉल्ड रेडियस. जहां तक बने आपका, जहां पर भी वो पॉइंट छुए आपके ट्राइंगल को, सॉरी सर्कल को, दैट इज कॉल्ड रेडियस. उस पॉइंट को नहीं, इसको तो सेंटर पॉइंट कहते हैं, इसको तो सेंटर ही कहते हैं, लेकिन आश्वी जो यहां से लेके और आपके सर्कल तक का जाता है इसको कहते हैं हम रेडियस. ठीक है, इसको कहते हैं हम रेडियस. और इसको कहते हैं हम जो हाफ, जो आपके सर्कल को हाफ करता है दैट इज कॉल्ड डायमीटर. ठीक है, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, आप सर्कमफेरेंस पूरे में कहीं भी बना सकते हो, जस्ट लाइक दिस 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 दिस, कहीं पे भी किधर से भी बना सकते हो. इस पॉइंट के थ्रू आप एक लाइन किधर भी बना सकते हो, दैट इज द योर सर्कमफेरेंस. ओके ओके मैम. ओके, उस सेंटर से आप कहीं पे भी अपना एक सर्कमफेरेंस बना सकते हो. तो फर्स्टली ये क्या है, जिस पॉइंट से आपने बनाया इट इज द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड जहां पर भी वो सर्कल का पॉइंट छुएगा, जैसे अगर आप सर्कल बना रहे हो तो वो सर्कल बनाने में इस सेंटर से लेके यहां तक का जो होता है इसको आप कहते हो रेडियस. ठीक है, और ये जो आपके मिड पे काटेगा, दोनों को जिस पॉइंट पे काटता है दैट इज कॉल्ड डायमीटर. और इससे, इस पॉइंट से आप कितने भी सर्कमफेरेंस बना सकते हो. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस इक्वल टू, सर्कल के लिए सर्कम फेरेंस इक्वल टू 2πr. पाई मीन्स इसका हाफ पार्ट, हाफ पार्ट. और आप पाई की वैल्यू होती है, एक तो होती है 22/7, जस्ट लाइक 3.14. या आप कह सकते हो और 3.14. सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr. ओके, पाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 22/7 और 3.14 भी. अगर 3.14 आपका होगी कैसे आया, तो 7 को अगर आप 22 से डिवाइड करोगे दैट इज द 3.14. यस आश्वी, यस मैम, क्लियर है ये? पाई थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा. मैं चाहती हूँ आश्वी आज अब ये क्लियर कर लो, कल को हम इसके सम से स्टार्ट कर देंगे आश्वी. देन एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज द सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr. ओके, तो अगर आपको इसको वैल्यू को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 22/7. अगर आपकी रेडियस 4 है, जैसे अगर हमने माना रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर है, दैट इज 4×4. ओके, 4×4 देन आंसर इज, अपना आप करके देखना. ठीक है, क्लियर हुआ आश्वी यहां तक आपको? यस मैम. ओके, प्लीज राइट डाउन. आपका भाई आने वाला है या आ गया? ना, आने वाला अभी तक नहीं आया. ओके, आश्वी आपके यहाँ सेमी सर्कल भी है? सेमी सर्कल मैम इस चैप्टर में? यस. नहीं मैम.
सेमी सर्कल नहीं है. चलो कोई नहीं, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ क्योंकि हम कल को इसके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस. सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल. देन फॉर्मूला इज पेरीमीटर इक्वल टू, चलो आप इसे लीव करो क्योंकि फिर आपके में है नहीं, तो ये जब तक आपका भाई आता है एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. कल को इसके आशय हमें क्लास में पहले फर्स्ट के लिए हमें यही स्टार्ट करने हैं. पेरीमीटर क्या होता है आशवी? फोर साइड्स, 1, 2, 3, 4, ऑल साइड्स आर सेम इन द एरिया, इट इज द इनसाइड पोर्शन. जो अंदर का पोर्शन होगा तो वो हमारा इनसाइड पोर्शन यानी एरिया होता है. जैसे आपके रूम के अंदर का पोर्शन जहां बैठी हो वो आपका एरिया है. ये हमारी लेंथ कहलाती है, ये हमारी ब्रेथ कहलाती है. लेकिन हम इन द स्क्वायर पेरीमीटर इक्वल टू 4 × साइड 4 × साइड क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है. आ गया एरिया के लिए साइड इंटू साइड, तो मींस साइड इसका स्क्वायर. रेक्टेंगल के लिए लेंथ दोनों आपकी सेम होंगी एंड ब्रेथ दोनों सेम होंगी, तो फॉर्मूला होगा पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ + ब्रेथ. एंड एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल नो. ओके, पैलोग्राम के लिए एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट. बेस आपका इसके अकॉर्डिंग, बेस आपका जो नीचे का एरिया होता है इसको बेस कहते हैं, और हाइट जो आपकी जिस जैसे अगर आपने पैलोग्राम बनाया और जिस एरिया पे ये बिल्कुल टच करके स्ट्रेट लाइन बनाएगी दैट इज योर हाइट, जो आपकी स्ट्रेट हाइट बनाएगी. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. और ट्राइंगल क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट हाफ होता है, जो पैलोग्राम के 2 ट्राइंगल्स को जोड़ता है. जो आपके ये 2 ट्राइंगल्स बनाएगा, पैलोग्राम में आपके 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं. फॉर्मूला इज हाफ ब्रेथ इंटू सॉरी बेस इन बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. नाउ सर्कल इज जो आपका यहां से जिस सेंटर से आपने बनाया और जहां तक वो आपका सर्कल बन के आएगा दैट इज योर रेडियस. एंड जो जहां वो बिल्कुल मिडिल पे जाके वो दोनों सर्कल को हाफ करेगा दैट इज कॉल्ड डायमीटर. और आप जहां से भी कोई भी लाइन बना दो, यहां से ऐसे ऐसे कोई सी भी लाइन बना दो, इधर से बनाओ, इधर से बनाओ, ऊपर से बनाओ, कितनी भी लाइन्स बना दो. जैसे हमारे फ्लैग में है तो सर्कमफेरेंस का सबसे अच्छा फॉर्म एग्जांपल वही है कि वहां पे आपकी सब इस तरीके से ये क्लियर. तो इसके लिए आपका फॉर्मूला लगेगा सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यू कैन से 3.14 जब आप डिवाइड करोगे. अगर हमने रेडियस 4 मानी है तो 4 × 4. ओके, क्लियर हुआ आशवी? यस सर. ओके आशवी, कल मिलते हैं इन द सेम टाइम इन द सेम आईडी और कल हम इसके स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस. ओके बाय बाय आशवी.